एक रिसर्च के मुताबिक कुछ लोगों से ये पूछा गया जब वो बुढ़ापे में थे, और उनसे पूछा गया कि आपको लाइफ में किन चीज़ों का अफसोस है। ये रिसर्च बेसिकली इसलिए थी कि जो हम लोग कॉमन चीज़ें करते हैं, हम वो कॉमन मिस्टेक्स या जो भी हम इंसान नॉर्मली करते हैं वो अपने आप को एक सुधार सकें और दूसरों की लाइफ से सबक सीखें। बेसिकली रिसर्च का मतलब ये था। जब रिसर्च कंडक्ट की गई तो उन्होंने पूछा बूढ़े लोगों से कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ का अफसोस है, क्या चीज़ आप रिग्रेट करते हैं। बहुत सोने अपना भी बोला, लेकिन 90% ऑफ द पीपल हु आर अबाउट टू डाई और हु आर लाइक इन देयर ओल्ड एज, उन्होंने ये कहा हमें ये चीज़ का अफसोस नहीं है कि हमने ये गलत काम कर दिया था या कुछ था, बट हमें ये चीज़ का अफसोस था कि हमने जो काम हम कर सकते थे, जिस चीज़ के लिए हम स्टैंड ले सकते थे, जो चीज़ हमें करनी चाहिए थी अपने लिए या अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए, हमने वो नहीं की। आप लोग जो देख रहे हो, और अभी आप लोग मेरे एज के हो, मुझसे छोटे हो, मुझसे बड़े हो, बट अभी बूढ़े नहीं हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी बुढ़ापे पे इन रिग्रेट्स को रखना चाहते हो कि आप ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये नहीं किया, ये बोल सकते थे, काश मैं बच्चा होता, काश प्लान करता, काश काश काश, क्या आप भी अपना बुढ़ापा काश में रखना चाहते हैं? बाय द वे, ड्रामेटिक करने के लिए मैं चला गया था। सो टुडेज ब्लॉग इज़ अबाउट मी पिकिंग अप माई क्लोथ जो मैंने पिछले हफ्ते दिए थे, और मैं आपको दोबारा फॉलो करूँगा नहीं वहाँ नहीं जाके। तो इस दफ़ा का ब्लॉग है दो चीज़ों के, एक जो चीज़ मैंने ली है उधर से वो लेकर आता हूँ और उसके दिखाता हूँ थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट वीडियोज जो लिया क्या है, और उसके बाद बताते हैं कि अगले हफ्ते के प्लान्स क्या हैं। तो ये ब्लॉग बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन ये ब्लॉग का वजह यह है कि अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स आने वाले हैं, मे बी हफ्ते में दो, मे बी तीन, वो डिपेंड करता है कि मुझे कितना टाइम मिलता है उनको एडिट करने का। सो जैसे मैंने बताया था कि भाई की शादी है, सो इट्स हियर इट्स नाउ, सो चले चलते हैं, बल्कि नहीं चलते, आप ना चलें, आप बैठें, मैं आपको ट्रांजिशन के थ्रू डायरेक्ट बल्कि अगले सीन में ले जाता हूँ अपने जो भी सामान लेकर आया होगा वो, और फिर आपसे मिलते हैं। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, गिव मी सम सीन या ऑडियो। ओके, तो मैं पहुंच चुका हूं वापस। जो चीज़ें बनाने के लिए दी थी वो बन चुकी हैं, बन के आ चुकी हैं, और कल हम लोग निकलेंगे लाहौर के लिए। अगर मुझे वहां पे कुछ जाते हुए अच्छी चीज़ें मिली तो एक व्लॉग वहां पे बन जाएगा, वरना अगले हफ्ते बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं और लाहौर में होंगे। वो बेसिकली मैंने बताया या नहीं बताया कि जो शादी है वो लाहौर में है। तो जो भी लोग लाहौर में मेरे व्यूवर्स हैं या जो पिंडी में हैं और जिन्हें पता है कि कुछ बहुत अच्छी जगह है जो वो देखना चाहते हैं लाहौर की, तो सो डू लेट मी नो, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें कवर कर सकूँ, और अगर वो ना हुआ तो जो जगह मुझे पता है मैं उन्हें कवर कर लूँगा। सो ये था आज का व्लॉग। मैंने अभी तक आपको जो है ना सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए नहीं, चाहते थे शायद मैं बोल के गया था कि मैं दिखाऊँगा, लेकिन यार डायरेक्ट ऐसे ही दिखा दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। वैसा करते थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह थोड़ा यूज़ करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने लिया क्या है, और उसके बाद डायरेक्ट ही मैं आपसे बिना बोले खुदाफिस कर दूँगा। सो ये एक फॉर्मल खुदाफिस है अभी के लिए, और जो मैंने लिया है चलिए देखते हैं वो है क्या। I don't know.